साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। दोष सूत्र मतलब द्वेष के बारे में, यानी कि क्रोध के बारे में बताया गया सूत्र। उसी सूत्र उपदेश में है भगवान बुद्ध ये उपदेश दिए हैं। अरहंत महामुनि जी तथागत भगवान बुद्ध ही ये उपदेश दिए हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया। कि कौन बताते हैं? आनंद पंथी जी। भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु एक ही चीज त्याग कर दीजिए, बस एक चीज। आप पक्का इसी जीवन में अनागामी हो जाएगा, हम वचन देते हैं। वो एक होता है ना, कोई आदमी चोरी पकड़ा गया, पकड़ने के बाद अदालत में गया, जाकर के उसको घर चला आया, लेकिन घर का आदमी को वार्निंग दे दिया, अगर ये आदमी भाग गया तो तुम पकड़ लेंगे। ऐसा है तो उसी आदमी के लिए क्या हो गया है? उसको एक शब्द है, जिम्मेदारी है ना, अमानत। तो भगवान बुद्ध ने बताया वही, हम अमानत हो जाऊंगा, जिम्मेदारी हो जाऊंगा। किस काम पे? एक ही चीज छोड़ दीजिए, हम एकदम पक्का जिम्मेदारी है, आप अनागामी हो जाएंगे। वो एक ही चीज क्या है? द्वेष, क्रोध। क्रोध का नाम ही एक ही चीज छोड़ दीजिए। हम एकदम जिम्मेवार है, आप अनागामी हो जाएगा। अगर सोच लीजिए, भगवान बुद्ध की ये पवित्र उपदेश कोई विश्वास किया तो उसको धर्म के रास्ते पर रह सकता है कि नहीं? हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, ये उपदेश किसने दिया? भगवान बुद्ध का मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द सत्य या गलत है? तो एक ही चीज छोड़ने के लिए कोशिश कर सकता है कि नहीं? मुश्किल नहीं, लेकिन कर सकता है ना। तो ये धर्म की रास्ता है। लोग चिल्लाता है हमको पंच उपादान स्कंद, अष्टांगिक मार्ग वो है, ये है, ये है करके, बहुत थे, बहुत हार्ड है, नहीं कर पाता है। यही चीज हटा दीजिए, हो जाएगा। जरूर वो व्यक्ति धर्म पे सुरक्षा हो जाएगा। ऐसे तो भगवान बुद्ध हम लोग को बताते हैं, पुण्यान भिक्षु ये द्वेष नाम का, क्रोध नाम का एक गंदगी है, ये गंदगी को हटा दीजिए, वो व्यक्ति जरूर अनागामी हो जाते हैं संपूर्ण रूप से हटाने के बाद। उसके लिए प्रयास कर सकता है ना। ऐसा है तो ये बात सुनने वाले व्यक्ति ये भगवान बुद्ध के ज्ञान विश्व धर्म को विश्वास करेगा तो ये सत्य हैं, ये परम सत्य हैं, ऐसा विश्वास करेगा तो वो प्रसन्न हो जाता है। वो भी इच्छा हो जाता है हम भी ये एक ही धर्म को प्रयास करके अनागामी होने के लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है? एक कारण पे पसंद नहीं करता है। वो एक ही कारण क्या है? क्रोध करने में पसंद नहीं है।
हर पल गुस्सा आएगा तो तुरंत याद आ जाए आधा याद आ जाता है भगवान बुद्ध की वाणी। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुरंत याद आ जाता है। ऐसा याद आ कि वो क्रोध गुस्सा करने में पसंद करेगा, वो बहुत पसंद करता है क्रोध द्वेष को दूर करने के लिए। ऐसा है तो व्यक्ति क्या करता है क्रोध को मिटाने के लिए क्या करता है, अरे चुप से बैठो सुनो ना, क्रोध को मिटाने के लिए क्या करता है वो होश में रहना शुरू कर देता है। कैसे होश में रहता है, कब हमको गुस्सा आता है हम आने नहीं देंगे, होश में रहते समय उनको समझ में आता है, दिखाई देता है, समझ में आता है अपना पास द्वेष क्रोध उत्पन्न होता है, आराम से दिखाई देता है। इसके बाद वो अपना दिल में क्रोध को रखने के लिए पसंद करता है नहीं, इच्छा है वो अपना दिल में क्रोध को रखेगा नहीं। ऐसा है तो सबसे पहले जानना चाहिए मेरे पास द्वेष है, मेरे पास मुझे भी गुस्सा आ जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ये जानना चाहिए। जानने के बाद वो कोशिश करता है उसी क्रोध को मिटाने के लिए। आप तो किसको क्रोध गुस्सा नहीं आता है, सबको द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना, वही जानना चाहिए। अगर घमंड दिखा तो हमको तो गुस्सा नहीं आता है, वो घमंड है, वो कभी अपना गुस्सा को मिटाएगा, कभी नहीं मिटाएगा। हमेशा सोचना चाहिए मेरा गलती है, गलती को समझना चाहिए, वो गलती मेरे पास अभी तक है, दिन प्रतिदिन उसको दूर करना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग अपना क्रोध गुस्सा के बारे में नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलता उसके पास क्रोध आ करके वो ख़त्म हो जाता है। क्रोध आने के कारण गाली देता है, नाराज हो जाता है, कभी कभी मुंह पे बोल देता है, समझते नहीं ये बनते जी है या शांत है, ये कल्याण मित्र कुछ समझता नहीं है, तुरंत बोल देता है बोलने वाली चीज़, अंत में पछताते हैं। ऐसा है तो द्वेष को मिटाने के लिए जो पसंद है वो पहले क्या करना पड़ेगा, होश में रहते हैं। इसके बाद उनको समझ में आता है मेरे पास द्वेष उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद वो समझने के लिए कोशिश करता है कैसे ये क्रोध उत्पन्न होता है, वो कैसे समझ लेता है, क्योंकि ये द्वेष के बारे में जानता नहीं कुछ। इसके बाद ये कोशिश करता है किस प्रकार ये द्वेष उत्पन्न हो जाता है, वैसा सीखने के लिए कोशिश करता है, मेहनत करता है। उसके लिए वो क्या करता है, कल्याण मित्र संगत में रहता है द्वेष के बारे में सीखने के लिए, द्वेष को मिटाने के लिए। कल्याण मित्र संगत में रहने से कल्याण मित्र हमेशा कोई ना कोई ज्ञान बताते हैं, उसी ज्ञान के अनुसार ये मनन करता है, मनन करने से इसको समझ में आता है। इसी प्रकार द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो और कल्याण मित्र संगत में रहने से इनको और ज्ञान सुनाई देता है, धर्म सुनाई देता है। तो उसी प्रकार उसी धर्म के अनुसार मनन करने से उनको समझ में आता है, इसी प्रकार द्वेष उत्पन्न हो गया तो इसी प्रकार द्वेष खत्म भी हो जाता है। ऐसा है तो जिस प्रकार द्वेष उत्पन्न होता है, जिस प्रकार द्वेष खत्म होता है, वो समझ सीखने के बाद वो प्रयास करता है
जो सीख गया है उसको प्रयास करने के लिए। कौन से? इसी प्रकार द्वेष उत्पन्न होने के बारे में तथा द्वेष को मिटाने के बारे में ये सीख जाता है। सीखने के बाद उसी प्रकार वो प्रयास करता है। प्रयास करके द्वेष जब उत्पन्न होता है ना, उसको वो पसंद करेगा? कभी पसंद नहीं करता है। अप्रसन्न मन से रहता है क्रोध पे। द्वेष आते समय उस पे मन डुबाता नहीं है। जिस प्रकार द्वेष खत्म होता है उसी प्रकार वो मन को प्रयास करते रहता है मन से। इसके बाद ये बहुत प्रबोध होता है, मतलब इनका मन प्रकाशमय होता है। क्यों? नया चीज़ सीख गया, नया चीज़ प्रयास करता है, पहले कभी ऐसा चीज़ सुना तक नहीं क्रोध के बारे में। इसके बाद वो प्रयास करता है नया जीवन शुरुआत करने के लिए। हम लोग का मन का स्वभाव है, नया कुछ ज्ञान सुन लिया तो मन प्रसन्न होता है ना। प्रयास करने के बारे में कुछ नया सुन लिया तो, पुराना चीज़ सुनते सुनते रह गया तो बोरिंग हो जाता है। फिर नया जीवन शुरू हो जाता है, जीवन नया हो गया है, एकदम प्रकाशमय हो गया है। ऐसे होने के बाद उनका पास पंच निवारण डूब जाता है। पंच निवारण कमजोर होने के कारण प्रीति उत्पन्न होता है, पश्चाद्य उत्पन्न होता है। पश्चाद्य मतलब शरीर मन का सुख हल्का। इसके बाद समाधि उत्पन्न हो जाता है। ये समाधि और प्रयास करने से उनको द्वेष को दूर करने का मौका मिल जाता है। ऐसा है तो उसी प्रकार अपना पास अकुशल दूर करना है तो उस पे हम लोग पसंद करना चाहिए। पसंद करना चाहेंगे तो तथागत भगवान बुद्ध जो बताया ज्ञान उस पे हम लोग प्रसन्न होना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध की आर्य सत्य पर पसंद नहीं होगा तो हम लोग का दिल में प्रसन्नता इच्छा का भी उत्पन्न नहीं होता है धर्म के बारे में। इसका डर उत्पन्न हो जाता है। प्रवचन सुनते समय पढ़ते समय थोड़ा सा इच्छा है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा किताब पढ़ता है ज़्यादा नहीं। धर्म को प्रयास करने में डर जाता है, हम ऐसा ध्यान करते करते आगे बढ़ जाएगा तो चीवर पहन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं इसलिए हम काम करेंगे, काम भर जितना हमको चाहता उतना हम करेंगे। उसी प्रकार अपना मर्जी से विचार करके नया रास्ता बना देता है, वो धर्म पे दिन प्रतिदिन दूर हो जाता है। लेकिन धर्म को बिना डर के भगवान बुद्ध की बातों पर विश्वास करके रहने वाले व्यक्ति भगवान बुद्ध के हर एक शब्द पर विश्वास करता है, वो भगवान बुद्ध की हर एक बात को प्रयास करने के लिए कोशिश करता है, वो दिन रात प्रकाशमय रहता है उनका मन, वो एकदम प्रसन्न मन से खुशी से रहने के लिए खुशी से रहते हैं, वही व्यक्ति धर्म का फायदा उठाते हैं। तो समझ लीजिए ऐसा है, भगवान बुद्ध ने ऐसे एक बात बताया, वचन दिया है। भगवान बुद्ध एकदम जिम्मेदारी बन गया, कोई भी है, समझ में आ गया ना? बस ऐसे हो के उन तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो कि उनके ज्ञान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो कि तथा संत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो कि वो प्रयास करता है शरीर मनवाणी से पाप नहीं होने के लिए। वो प्रयास करता है मन को पवित्र करके मैत्री विचार को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों के मैत्री विचार को बढ़ा के प्रसन्न मन से रहने का भाग्य मिल जाए।